बस आ जाओ भाई, अब इस मूवी को लेकर अब वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं बात कर रहा हूँ केरला स्टोरी मूवी के बारे में, क्योंकि ये मूवी अभी तक देखने को नहीं मिली है। और अच्छी बात यह है कि कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है इसकी रिलीज को लेकर, क्योंकि कुछ छोटी सी छोटी अपडेट भाई हमारे लिए मैटर करती है, क्योंकि ये मूवी को देखना है। मैंने नहीं देखी दोस्तों थिएटर में, मैं तो भाई जिन लोगों ने देखा है भाई बहुत अच्छा काम किया है। इसमें हम बात करेंगे केरला स्टोरी मूवी की ओटीटी रिलीज डेट और अपडेट्स के बारे में कि मूवी कब तक देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मूवी की स्टोरी दोस्तों पता नहीं कितनी ज़्यादा गजब थी, क्योंकि लोगों बजट इसका 15 करोड़ था और मूवी का कलेक्शन 300 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई डबल ट्रिपल मतलब कितने ज़्यादा गुना इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। और मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है और काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे उठा सकती है, ऐसी चीज़ें देखने को मिली। और ये बहुत बड़ा कारण है कि मूवी इतने टाइम से ओटीटी पर नहीं आई है। मूवी दोस्तों इसकी जो राइट्स है वो जी फाइव वाले के पास में है, और जी फाइव वाले मोस्ट ऑफ द टाइम जो मूवी इनकी हिट हो जाती है तो ये किसी और प्लेटफॉर्म को सोल्ड कर देते हैं। ऐसे उन्होंने 12th फेल मूवी के साथ में किया, उसके बाद उसके पहले दोस्तों OMG 2 के साथ भी किया था, और सैम बहादुर भी इनके पास पड़े हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। तो इस मूवी के साथ ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को राइट्स करके कोई प्लेटफॉर्म जो है कॉन्ट्रोवर्शियल वाली चीज़ों में नहीं आना चाहता था। तो ये रिक्स जो है अब जी फाइव वाले ही लेंगे और मूवी को वही रिलीज़ करेंगे। फिलहाल दोस्तों आदर शर्मा का एक करंटली इंटरव्यू लिया गया था, जहाँ से उनसे पूछा गया कि आपने तो भाई कितना टाइम पहले बोला था कि मूवी आ जाएगी, नहीं आई है, आप लोगों को उल्लू तो नहीं बना रहे हो? तो दोस्तों उन्होंने ये बात बोली है कि इस मूवी को दिसंबर के एंड या फिर जनवरी में रिलीज़ किया जाएगा। इसके मेकर जो है प्लान कर रहे हैं नए साल में इसे रिलीज़ किया करें। तो ये मूवी आपको दोस्तों नए साल में देखने को मिलेंगी, और दोस्तों चांसेस है कि मूवी आपको जनवरी की एंडिंग तक देखने को मिले। और जिस टाइप की ये स्टोरी लेकर आती है दोस्तों, ये मूवी चांसेस है कि आपको 26 जनवरी 26th of January को देखने को मिल जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। हालांकि रिलीज डेट निकल कर नहीं आई है, बस मेंशन है दोस्तों जनवरी का मंथ, तो हाँ बस यही अपडेट है। लेकिन चांसेस मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई है, ऐसी टाइप की जो स्टोरी वाली जो मूवीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम 26 जनवरी के दिन रिलीज़ की जाती है। जैसे सैम बहादुर हो गई, वो भी उसी दिन रिलीज़ की जा रही है। लोगों की मतलब आंखें खोलने वाली जो मूवीज़ होती है वो उसी दिन आती है मैक्सिमम टाइम, मैंने ऐसा नोटिस किया है। खैर दोस्तों जनवरी में मूवी आ जाए बस यही उम्मीद है। क्या सोचते हो केरला स्टोरी मूवी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।